शाम का समय है, अंधेरा हो चला है और एक भी भक्त आपको इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए कि मानवता नहीं है। ना ना, इंटरनेट पे निकलवाना है। मैंने बरगद के पेड़ के लिए कहा तो एक औरत ने केवल पूछा, इसीलिए भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि हमारा इसमें एक भी भक्त नहीं है। कहीं नरे प्रभु आपके नाम से सब मरे जा रहे हैं, कहीं तुम नहीं मानोगी ना, तो शंकर जी कोढ़ी की भेज लेन और पार्वती जी रहवे भई सुंदरी फटाहा पहन के वो काशी नगरी में बैठ गई। आवे जो भीड़ और कटोरे से पानी मांगे अपने आदमी के लिए, पार्वती जी कोई जल इतना से नहीं दे रहा, और एक सेठ जी आए, रे कहीं इतनी सुंदरी कोढ़ी के लिए का कर रही, चलो हमारे साथ देखो। ठीक, तो शंकर जी पार्वती की देख के मुस्कुराए। मैंने जो बरगद के पेड़ के लिए बात कही थी ना, पंडा ने क्या कहा, वहाँ कहिए जाए, वहाँ क्यों कहें, एक बरगद का पेड़ अगर आपने लगा दिया तो 60 पुष्ट के पुरखे तर जाएंगे। कहिए क्यों, हर बात का जवाब लो। आप 50 लाख रुपए लड़के को बहू को दे दो, ठीक, बुढ़ापे में, और मर जाओ। ठीक, रोज सवेरे ब्रह्म बेला में आपके बहू बेटा जो है वो ब्रह्म भोज नहीं करेगा आपके नाम से, और बरगद का पेड़ ब्रह्म बेला में ब्रह्म भोज अपने आप ही हुआ करेगा, मर के चले जाओ तब भी। इसीलिए मैंने बताया था कि बरगद का पेड़ का ये महत्व होता है। देखा, तो ही सवाल है, रोटी 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 बहुत बनती है, जहाँ देखो रोटी वही बस में ठसा ठस भीड़ है, खाए खाए रोटी और आलू और प्याज की सब्जी, रात में सब दुर्गंध छोड़ेंगे। मरण हमारी होगी, किस तरह हम फंसे हैं बुरी तरह से, 15-15 दिन की यात्रा, बाप रे बाप, किसी तरह वहाँ गया से फुर्सत मिले, सब डांका डालने वाले लूटने वाले। ये सामने आप भरत क्या दे भरत मिलाप यहाँ हुआ था, भरत कुंड, ये सब आप देख रहे हैं, एकदम अंधेरा छा गया है, लोग बैठे हुए हैं। तो एक एग्जाम्पल देखिए, एक बस, दो बस, तीन बस, एक बस वहाँ खड़ी है, ये है सब। किसी ने रुचि नहीं, मानवता की बात मत करो, ना 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 ना, ना, ना। न मानवता की बात करो, न दया की बात करो, न धर्म की बात करो, बस पूजा चढ़ावा खपड़ी घोटाए लियो हैं, मंदिर बाबा यही है क्या कहा। हाँ भैया बस खा ले, एक बार खोल जाए बस हमारा काम हो गया, जितना सवेरे 20 रुपया लगा रहे ना उतना काम ये अकेले करी और उसे बढ़िया करेगा। हाँ, अब वाणी को विराम देते हैं, अंधेरा है, अंधेरे में क्या बनाओ, मैं मोटा मोटी हमने आपको दिखाया, एक मिसाल दिया, कहीं चले जाइए मनुष्यता नहीं है, मानवता नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, बस वही खोपड़ी घोटाओ, पैर पूजाओ, हियाँ चढ़ाओ, हुआ चढ़ाओ, यही है आज के ज़माने में, क्या है, मानवता की बात नहीं कोई सुनना चाहता। बरगद के पेड़ के बारे में मैं तो सीना ठोंक के कहता हूँ कि एक बरगद का पेड़ आप लगा के पाल पोस के बड़ा कर दो तो आप 1 करोड़ रुपया छोड़ के मरोगे तो भी वो आपके आल औलाद उतना बड़ा भोज नहीं करेंगे जो एक बरगद का पेड़ करता रहेगा और कई पीढ़ी तक वो करेगा, है ना महाराज, क्या जी की बात। आप मान लीजिए 50 लाख रुपया 1 करोड़ बेटे को आप दे के मर गए, बुढ़े थे मर गए, अब कहा ब्रह्म बेला ने कहा समझौ था, वो करोड़पति का बेटा 4 बजे तड़के उठ के वो ब्रह्म भोज करी है, सपने में मत सोचिएगा। और बरगद का पेड़ जहाँ ब्रह्म बेला हुआ कहाँ ब्रह्म भोज चालू, चिड़िया चमत्कुर चीता यानी हर तरह के प्राणी खाएंगे, इतना बड़ा पुण्य का काम करता है बरगद का पेड़। जिसके पास कोई आमदनी ना हो एक बरगद का पेड़ लगा दीजिए, पुरखे तर गया। बाणी को विराम देते हैं, बहुत अंधेरा हो चुका है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की तारीख जो है वो 13 सितंबर 2014 है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ कोई राम के नामों नहीं।